स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लाउज की साइड में हम जिप कैसे स्टिच करें। तो देखिए, हमारा जो ब्लाउज है वो बन करके ऑलरेडी तैयार है। एक साइड में मैंने मार्जिन की सिलाई स्टिच कर ली है, ये देखिए। और ये जो दूसरी इसकी साइड है, अनोदर साइड, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लिया है। और इसी तरफ में भी इसको मैंने हल्का हल्का फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी जो अपनी जो मेरा मार्जिन है वो पॉइंट लगाऊंगी कि कितना मुझे अपने ब्लाउज को रखना है चेस्ट में और कितना कमर में, वहां पे हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 1 इंच की दूरी से यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है, मार्किंग कर ली है इस तरफ भी और ये इस तरफ भी। और यहाँ पे मुझे ये जो जिप है वो लगाना है। और ये बाजू अभी ओपन है, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप सरलता से, ये देखिए फ्रंट पार्ट ऑफ है और ये जो बैक साइड है वो भी ऑफ है, तो आप जिप कैसे अटैच करेंगे। साइड जिप आपके ये दोनों जो पार्ट्स है, देखिए यहाँ से ऊपर से लेकर के और बिल्कुल नीचे तक बराबर होनी चाहिए, दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर। और इसके साथ ही साथ जो आगे पीछे के पार्ट्स है वो भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए, और हमारी जो मार्जिन लाइन है वो भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और ये फोल्डेड एरिया आप इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लो। अब हम यहाँ पे इस जिप स्टिच करते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारी जिप है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया है। खोलने के बाद ये हमारी जिप यहाँ पे ऐसे देखिए स्टिच होके आनी चाहिए, ये जो लाइन है ना यहाँ पे स्टिच होके ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसी स्टिच ले लेते हैं ऑफ साइड में, ये जो ऑन साइड है ना इसको आप ऐसे उल्टा करके और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग ले लीजिए। नीचे सी जो साइड हल्की सी ओपन रहती है उस पर आप हुक या वो कुछ लगा सकते हैं। अब आपको जिप के बिल्कुल पास पास में इसकी जो है वो स्टिचिंग लेनी है। इसको आप आलपिन से स्टिच कर सकते हो पहले, ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो ओके आए, और आप चाहे तो इसको जो सीधी सीधी भी स्टिचिंग ऐसे ले सकते हैं। तो मैं इसकी बिल्कुल पास पास में और हल्के हल्के इसकी जो है स्टिचिंग ले रही हूँ, जितनी आपको इसकी स्टिच लेनी है उसकी बराबर में आप मार्किंग कर लें। जैसे हम इस जिप को इतना स्टिच लेंगे यहाँ पर, इतना यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ तक इसको स्टिच लेना है। तो ये हमारा जिप जितना मैंने मार्किंग किया हुआ था वहां पे देखिए यहां तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो ये एक साइड स्टिच हो गई है। अब हम देखिए इसको आप ऐसे कीजिए और अपनी जिप को चेक कर लीजिए कि जिप जो है वो ऑफ तो हो रही है ना कहीं, मतलब ऐसे नहीं सिलाई ज्यादा तो नहीं आई है हमारी। तो हम अपनी जिप को ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा जिप जो है यहाँ पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसको वापस खोल लेना है एक बार के लिए, और दूसरी जो ये साइड है उसको हमने अटैच करना है। तो जो हमारी दूसरी साइड है ब्लाउज की वो लेते हैं। तो ये वाली साइड है, इस वाली साइड को हम कैसे लेंगे, देखिए इस तरफ लेंगे हम जिप को, यहाँ ऐसे रखेंगे, और ये वाली जो हमारी साइड है ओ, तो आप इसको ऐसे देखिए, इसको हमने ऐसे रख लिया है, और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग लेनी है हमें, ठीक है इस तरफ। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है लाइन पॉइंट, जितना हमें मार्जिन ऑफ करना है वहां पे हम यहाँ पे इसको स्टिच ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी स्टिच स्टार्ट करती हूँ, और वैसे ही बिल्कुल अपनी ये जो जिप है ना, इस जिप के बिल्कुल यहाँ पास पास में मुझे स्टिच लेनी है। जिप से आपकी जो स्टिच है वो दूर ना हो, ये बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने पॉइंट लगाया हुआ है यहां तक ही मैं इसकी स्टिच लूंगी। तो ये जो नीचे सुई टूटने वाला जो ये है इसको हम निकाल देते हैं, और फिर यहाँ पर हम इसकी स्टिच ले लेते हैं। अब ये देखिए जो पॉइंट था वहां तक स्टिच हो गई है दोनों साइड में। अब यहां हम इसको पक्का कर देते हैं थोड़ा सा आगे पीछे करके, और अब हम उतार लेते हैं यहां से।
दोनों पार्ट्स में हमने जी परचेज कर लिया। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने जी परचेज किया है वो सही है या नहीं है, मतलब वो ऑफ हो रहा है ना, यानी ये बंद होना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये जिप अच्छे से लॉक हो रहा है बिल्कुल, और ये बिल्कुल बराबर में ही लगा हुआ भी है, ठीक है ना। अब आपने देख लिया, चेक कर लिया, अब आप इसको फिर से खोल दीजिए। खोल दिया है, अब देखिए हमारा दोनों पार्ट्स ओपन है। अब मैं आपको जिसकी इसकी जो अहम सिलाई है वो बता देती हूँ कि ये इस तरफ कीजिए आप, इसको दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर में फिर से सेट कीजिए। ये हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं। अब हमें हमारे जिप की जो स्टिचिंग आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली है, तो हमें जो बाजू की सिलाई वो यहाँ पे रखनी है, यानी क्वार्टर इंच की दूरी रहनी चाहिए। जिप की आपकी सिलाई ये वाली है तो आपकी जो बाजू की ये जो सिलाई है वो यहाँ आनी चाहिए, क्वार्टर इंच की दूरी होनी चाहिए, तो आपकी फिर जिप बहुत अच्छी अंदर ही अंदर रहेगी और गुम सी रहेगी। तो इसलिए इस प्रकार से आप इसकी स्टिचिंग करें। तो ये देखिए ये हमारी जिप की सिलाई है और यहाँ से हम अपनी बाजू को स्टिच ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी बाजू की स्टिचिंग ले रही हूँ, तो ये मेरी बाजू यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब हम आपको ऑन करके दिखाते हैं इसको, देख एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारे जिप की स्टिचिंग है और यहाँ से मैंने बाजू की स्टिचिंग किया क्वार्टर इंच की दूरी से। तो ये देखिए हमारी जिप लग चुकी है, आप इसको खोल सकते हैं आसानी से और आप इसको आसानी से बंद भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे एक हुक भी लगा सकते हैं और ये ऑफ भी रहती है और बहुत आसानी से पहना भी जा सकता है। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, यहाँ से खोला, ब्लाउज पहना, फिर आपको यहाँ पे जिप ऐसे स्टिच ले लेनी होती है। तो इस प्रकार से आप अपने ब्लाउज में जिप लगाएं नीचे की साइड में, और मैंने अदर कलर का लगाया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, आप सेम कलर का लगाइएगा ताकि आपका जिप अच्छा लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप यहाँ से जिप को हल्का सा इस प्रकार से स्टिच लेकर के जो एक्स्ट्रा जिप है उसको आप कट कर दें। ये जैसे एक्स्ट्रा जिप है मैंने यहाँ पे स्टिचिंग ले ली है और जो एक्स्ट्रा जिप है उसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है और यहाँ से हल्की सी आपको पक्का कर देना है ताकि आपका जिप खुले ना, ओपन ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।